एंगल से मेरे तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामना और हैप्पी बर्थडे टू यू कि इनकी जीवन इतनी लंबी हो और जीवन में तरक्की के साथ साथ लंबी हो ताकि दुनिया इनके नाम से इनको खुद जाने और ये हमारी पड़ोसन है तो अब पड़ोसी का हक बनता है कि अपने पड़ोसी का हर दुख सुख में काम आए तो मैंने अब इनके अभी ईश्वर ना करके कभी दुख आए इस घर में और इससे इनके जीवन में तो कोशिश रहेगी हमारी कि ईश्वर से प्रार्थना ही रहेगी कि इनके जीवन में हमेशा खुशी आए ताकि हम इनके खुशियों में हमेशा शामिल हो जाएं। रिया मैम भोजपुरी के सुपरस्टार आज आपके बर्थडे में आए हैं तो आपकी क्या कहेंगे आप इनके लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आए हुए हमारे बर्थडे में इन्होंने चार चांद लगा दिया। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि सर जी से मेरी मुलाकात लोअर में आया तो चार चांद लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको दिल से थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं जब यहाँ पे शिफ्ट किया था जब इस घर में 2-3 2.5 साल पहले तो मुझे बोले कि यहाँ पे भोजपुरी के अपने बहुत बड़े कलाकार सुपर स्टार खेसारी जी रहते हैं, हमका हट मजाक कर रहा है, हमका ऐसे कैसे रहते हैं, मतलब खेसारी जी तो बंगला रहते हैं उनमें हमको बोला कि वहाँ पे इनका ऑफिस है, यहाँ पर गाना लिखते हैं। हमने कहा कि कितने खुश नसीब है हम कि जहाँ पे जो गाने सुपर हिट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ से गाने लिखे जाते हैं, जहाँ पे इनके इंटरव्यू होते हैं, जहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती है, उसके बगल में उससे कुछ ही मीटर की दूरी में हम रह रहे हैं। और हम जब भी इनसे मिले हमको लगा नहीं कि हम किसी, हमको लग रहा था कि कोई बहुत डाउन टू अर्थ एकदम डाउन टू अर्थ बंदे और बहुत ही ऐसे भाई ऐसे मिलते कैसे हैं कैसे, तो बोलते हैं कि मिला दीजिए। हम कहते भाई हम मिले हुए हैं इनसे, ऐसा कोई हमको कई लोगों ने बोला कि नहीं बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, बिजी हम तो बिजी रहेंगे ना। आपका बेटा आखिरी एक सवाल आपसे कि आपने खेसारी सर की कोई फिल्म या कोई गाना ऐसा देखा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? पर्सनली मैं बोलूँ सर के बहुत सारे वीडियोस जो बहुत आई थिंक ये ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, उनका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मूवी तो नहीं देखी, झूठ नहीं बोलूँगी, बट इनके जितने भी लाइव शो होते हैं जहाँ इवेंट्स होते हैं और इनका हाँ एक मूवी आ रहा है जिसके अंदर इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करे, यू लुक लाइक अ सिंगम, यू लुकिंग सो हैंडसम, तो बहुत अच्छे, हाँ बहुत बहुत ऐसे में हो नहीं हैंडसम क्या, तो बहुत हैंडसम दिखते हैं और बहुत मतलब इनके सामने यही लगाता है लोगों का एक कौन सा ठीक है इट्स योर सॉन्ग ओके अच्छा अच्छा सॉरी हाँ बट अच्छा लगा वो सब और मैं ज्यादा क्या बोलूं मत बोलिए अब लीप रहे हैं हम बेटा अरे कोई नहीं मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हेलो मैं इनकी फैन हूँ और मैंने इनकी संघर्ष मूवी देखी थी। मैं बेसिकली भोजपुरी मूवी देखना पसंद करती हूँ और जस्ट ये मुझे नीचे मिले थे आई वाज शॉक की यार ये है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये पार्टी के लिए आए। थैंक्स रिया अनमोल एंड के सारी सर सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू सो मच।